हो जाइए सावधान अगर आपके पास दो पहिया वाहन है जो अब आपके लिए परेशानी बन सकती है। आपके वाहन के पेट्रोल इन दिनों आम आदमी की जेब पर डाका डालने लगे हैं। मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल डलवा रहे हैं उस पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 10% है, जिसके कारण आपका वाहन अब रुक रुक कर चलेगा। इतना ही नहीं, अगर समय रहते आप अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी को साफ नहीं करवाते हैं तो आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। लगातार इस तरह के झटकों से आपकी गाड़ी का इंजन खुल सकता है, जिसमें आपको एक मोटी रकम ऑटो पार्ट्स विक्रेता को देनी होगी। और इन दिनों पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 10% मिला दी गई है, जिसकी वजह से आपकी वाहन की टंकी में अगर 10 ग्राम पानी पहुंचता है तो इस प्रकार से रिएक्शन करेगा कि आपका 1 लीटर पेट्रोल में 100 ग्राम पेट्रोल पानी में तब्दील हो जाएगा, जिसके चलते आपके वाहन को नुकसान हो सकता है। अब यह किसकी मिलीभगत है इस बारे में कहा नहीं जा सकता। इस पूरे मामले में सरकार जिम्मेदार है या ऑयल कंपनी जिम्मेदार, इसके बारे में बता नहीं सकते। इस बात की जानकारी हमने खाद्य विभाग अधिकारी से ली तो उनका कहना है कि 1 जनवरी से जो पेट्रोल आ रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, उस पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की 10% मात्रा है। एथेनॉल पानी के संपर्क में आते ही अपना काम चालू कर देता है, वह पेट्रोल को पानी बनाता है और जितनी मात्रा में एथेनॉल होता है पानी में तब्दील हो जाता है। इस दौरान एक ग्राहक का कहना है कि उसने लाटकुई के पेट्रोल टैंक से पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया तो वे झटके लेने लगी। इसके बाद फिर मैंने मैकेनिक को दिखाया तो टंकी में पानी निकला। पेट्रोल से पानी को जब अलग किया उसके बाद कहीं जाकर उस व्यक्ति की गाड़ी चालू हुई। फिर इस बात की जानकारी नसरुल्लागंज के पार्ट विक्रेता से बात की। उन्होंने बताया कि हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी गाड़ियों की टंकी हमने अब तक साफ की है, क्योंकि यह परेशानियां इसका जन्म अभी हुआ है और यह परेशानियां धीरे धीरे बढ़ेंगी, क्योंकि इसका कारण वाहन चालक अभी ठीक से समझ नहीं पाए हैं। मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल डलाने गया नए पंप पे लाड़कोई के, तो पेट्रोल डला के लेके आया तो उसमें झटके लेने लग गई गाड़ी। तो मैंने मैकेनिक को दिखाया लाके, तो उसमें जो डलवा के लेके आया मैंने पेट्रोल, उसमें पानी निकल रहा है। मतलब पेट्रोल में पानी निकलने की समस्या आ रही है। हाँ, कहाँ पर है आपकी दुकान? नर्मदा बैंक के पास। आपके पास इस तरह की गाड़ियाँ आ रही है कि जिन गाड़ियों के पेट्रोल की टैंक में पानी निकल रही है? जी बिल्कुल आ रही है। साफ कितनी गाड़ी दिन भर में साफ कर लेते हैं? सर दिन भर का तो कोई कंफर्म नहीं है अभी, मतलब कभी 2 भी आ जाती है, कभी 4 भी आ जाती है। अब तक की कितनी गाड़ियों की टंकी साफ कर चुके हैं सर? कोई अंदाजा नहीं है। मतलब यह पानी जो निकल रहा है टंकियों में, हाँ, उसकी वजह से सफा होने आ रही है टंकियाँ, हाँ, उसकी कोई गिनती नहीं है आपके पास? हमारे पास तो नहीं, क्योंकि हम रोज करते हैं, मतलब रोज निकलता। अभी मान लो अगर कोई सी गाड़ी आ रही है अभी, वो एक और टंकी, मतलब ये इसमें पानी है, ये टंकी में ये खड़ी ना सर की बैंक की, अभी इसको भी खोलने, अभी मतलब टीमेस निकाला था पानी, तो पानी आ रहा था। नसरुल्लागंज से नितिन मालपानी की रिपोर्ट।